आप लोग जानते हैं कि दुनिया के अंदर एक ऐसी फैमिली भी मौजूद है जो मुकम्मल तौर पर लोगों से अलग नजर आती है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस फैमिली नेम्ड एज अ मनोरंग्स फैमिली। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर इनके फेसेस को हुआ क्या है, ये कैसी बीमारी है जिसमें इनके फेसेस दुनिया से अलग नजर आते हैं। एक्चुअली ये एक तरह का जेनेटिकल डिसऑर्डर है जिसमें आपकी फेस की स्किन बहुत ज्यादा थिन हो जाती है और आपके गम जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करते जाते हैं अनटिल अनलेस के वो एक यूनिक शेप ले लें। यहाँ पर एक और पॉइंट सामने आता है कि ये लोग अब तक जिंदा कैसे हैं। इस सोसाइटी के अंदर जहाँ पर हर पॉइंट पे आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, आपकी अपीयरेंस, आपकी एटीट्यूड, हर चीज़ के ऊपर बात की जाती है, आपको जज किया जाता है, आपको हैरेस किया जाता है और आपके साथ बहुत ज़्यादा हार्श बिहेवियर यूज़ किया जाता है। मैड्रियाज, मेरान, यूनी एंड सूर्या, पूरी फैमिली के अंदर से सिर्फ ये चार लोग हैं जिनको ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है। इस जेनेटिकल डिसऑर्डर को बारबरसे सिंड्रोम कहा जाता है। क्योंकि ये बीमारी एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है तो इट सीम्स कि इनके पेरेंट्स में से भी किसी एक को ये बीमारी हो और इनके फादर को भी सेम यही बीमारी है। लेकिन ये जेनेटिकल डिसऑर्डर बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, इवन बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता भी नहीं कि ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। लेकिन आज की वीडियो का पॉइंट ये है कि इतने डिफरेंट फेस के साथ ये लोग जिंदा कैसे हैं। मैं जिंदा का वर्ड इसलिए बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये सोसाइटी आपके साथ इतना ज्यादा हार्श बिहेव करती है कि आप मजबूर हो जाते हो, या तो आप सुसाइड कर लो, डिप्रेशन में चले जाओ या पागल हो जाओगे। लेकिन इनका केस बिल्कुल डिफरेंट है, ये अपनी वीडियोज के अंदर बेतहाशा खुश नजर आते हैं। अगर आप नोट करें कि हमारी सोसाइटी के अंदर हमसे थोड़ा सा भी डिफरेंट कोई इंसान हमें नजर आ जाए तो हम उसके साथ कितना बुरा बिहेव करते हैं, हम उसे मॉन्स्टर, पता नहीं क्या क्या कुछ कहने लग जाते हैं, बगैर ये सोचे समझे कि उसके अंदर जो डिफरेंस है या उसके अंदर जो कमी है वो उसकी अपनी मर्जी की वजह से नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से उसके अंदर ये कमी रखी गई है। मे बी कि वो हमसे किसी और चीज के अंदर ज्यादा तेज हो। मैनुरिंग्स फैमिली के साथ भी सेम यही सिनेरियो था कि सोसाइटी ने उनको किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं किया था, उनके साथ बहुत ज्यादा हार्श बिहेवियर यूज किया। इवन सूर्या जो उनकी फैमिली का मेन पर्सन है उसको जॉब नहीं मिली थी, लोग उसको साफ मुंह पर कहते थे कि हम मॉन्स्टर्स को हायर नहीं करते। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि आप कहीं जॉब के लिए जाएं और आपको आगे से इस तरह का जवाब मिले कि हम मॉन्स्टर को हायर नहीं करते जस्ट बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस। लेकिन क्या मैनुरंग्स फैमिली ने भी सेम उसी तरह उनको जवाब दिया, सेम उसी हार्श बिहेवियर के साथ उनको जवाब दिया जिस तरह सोसाइटी ने इनको ट्रीट किया था? इसमें कोई शक नहीं कि इस फैमिली को इन चीजों से गुजरने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस दिखानी पड़ी होंगी। लेकिन इन्होंने जो एटीट्यूड दिखाया वो हम सबके लिए इंस्पायरिंग एटीट्यूड है। मैनुरंग्स फैमिली ने ओपन हार्ट से सोसाइटी को वेलकम किया। इनकी ये बीमारी सिर्फ इनकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर इफेक्ट करती है, बजाय इसके कि वो सोसाइटी को एक हार्श बिहेवियर के साथ जवाब देते, उन्होंने बड़े अच्छे बिहेवियर के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। जिस डिसऑर्डर की वजह से इनको लोग बुरा भला कहते थे, आज उसी डिसऑर्डर की वजह से इन लोगों की एक बहुत ज़्यादा लंबी फैन फॉलोइंग है। आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, इस सोसाइटी के अंदर जहाँ बहुत सारे अच्छे लोग हैं, सपोर्टिव लोग हैं, वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो खुद कुछ करते हैं और ना लोगों को कुछ करने देते हैं। यहाँ पर उन लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, इन लोगों की वीडियोस के नीचे आके हेट कमेंट्स करना, इनको लेट डाउन करने की बहुत कोशिश की। लेकिन इस सोसाइटी के अच्छे लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, अच्छे कमेंट्स किए। जहाँ एक हेट कमेंट होता था वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ गुड कमेंट्स भी होते थे। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की इतनी लंबी फैन फॉलोइंग बन गई कि आज ये लोग यूट्यूब पर स्टार्स हैं और आज मैनुरंग्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। सूर्या जो कल तक जॉब के लिए परेशान था आज खुद एक इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी बन चुका है। दीज पीपल आर सो कम्फर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन स्किन। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है और हमें खुल के इसे जीना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोगों की बातों पर ध्यान दें हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम ये चीज़ सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, तो हम अंदर ही अंदर घुट के मर जाएंगे। एंड इन द लास्ट कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।